यही मुग़लों का लास्ट मकबरा है, मुग़ल दौर का लास्ट मकबरा है। और सफदरजंग जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, यानी मुग़ल दौर के प्रधानमंत्री थे। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप आओगे तो मकबरे का आपका मुख्य द्वार मिलेगा, जो कि दो मंजिला का है, जिस पर अरबी में लिखा हुआ है। अगर कमरे के अंदर जो है वो लाइब्रेरी है और मुग़ल काल के कमरों को बखूबी तरीके से देखा जा सकता है। गेट के दाईं ओर अगर देखोगे तो एक मस्जिद है जिस पर तीन गुंबद देखे जा सकते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे कमरे देखे जा सकते हैं। तो अगर आप मस्जिद के पास देखोगे तो मस्जिद के पास बाहर में ये एक्चुअली मदरसा हुआ करता था, जो है स्कूलिंग पढ़ाई हुआ करती थी। उसके बाद ये बंद हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये एक्चुअल में मस्जिद का गेट है, जो कि बाहर से ही है। ये मस्जिद का गेट है और ये रास्ता जो है मस्जिद को जाता है। और सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि जितने भी मैं मकबरों को घूम कर आया हूँ, उसमें पहला मकबरा है जहाँ अभी भी जुम्मे के दिन इस मस्जिद में नमाज होती है। यानी सफदरजंग में जो मस्जिद है वहाँ जुम्मे के दिन अभी भी नमाज होती है। यही मस्जिद का गेट है। चलिए अब हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम अंदर आ चुके हैं। अगर आप मेरे चारों तरफ देखोगे इस साइड से, तो मस्जिद की बैक साइड दिखाई देती है और छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं। अगर ये देखोगे इस तरह, बहुत शानदार मुख्य गेट था ये। और इसी के जस्ट पीछे जो है आप देख सकते हो, ये सफदरजंग का मकबरा है जहाँ हम घूमने वाले हैं। अगर इसके आगे की बात की जाए तो ये चार शैली बाग है, जो कि हुमायूं के मकबरे में भी है। और इसे मुग़ल गार्डन भी बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो जगह है, और जिस हम बादशाह की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये बादशाह नहीं थे, दिल्ली के बादशाह नहीं थे, ये जो थे अवध के सूबेदार थे, बट मुग़लों के ये प्रधानमंत्री थे उस दौर के, जिसके बारे में हम आगे आपको बताऊंगा। ये जगह बहुत शानदार है। इस जगह पर एक्चुअल में आपको मुग़लों के जो अवशेष हैं वो जगह मिलते हैं, बहुत ही शानदार है। और बगीचे की बात करूँ, मैं यहाँ के लोग जगह की बात करूँ, तो बहुत ही शानदार ये जगह है। और ये फ़ोटो खींचने की बहुत बेहतरीन जगह है। अगर आप दिल्ली में आए हो और अगर आपने ये जगह नहीं घूमी है, तो यकीन मानिए आपने कुछ नहीं घूमा। आइए अब हम आपको मैन मकबरा दिखाते हैं। एक्चुअली में ये जो मकबरा है, ये सफ़ेद संगमरमर का समाधि है, और जो आगरा का ताजमहल था उसी की तर्ज पर ये बनाया गया हुआ है। और ये बंद महल का एक बगीचा है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं, क्योंकि हम ऊपर जाने वाले हैं, तो ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो कि आरामगाह है, जो कि उनके लड़के थे शुजाउद्दौला, उन्होंने बनाए थे, यानी आराम करने के लिए उस दौर में। तो देखोगे छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार हवा आती है यहाँ। और हालांकि अब तो लोग हैं, अब हम आपको ऊपर चलेंगे और ऊपर से आपको मेन चीज़ दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेन जगह पर, जहाँ पर सफदरजंग की कब्र है और उनकी वाइफ की कब्र है। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इस समय खुदाई चल रही है, बट नाली है यहाँ। और अगर आप देखोगे तो ये जो इमारत बनी हुई है, तो इसके चारों तरफ ये मीनार है, जो कि जैसे ताजमहल आप देखते हो कि उसी की एक तरीके से कॉपी की गई है, बट पूरी तरह कॉपी नहीं कह सकते। और अगर जहाँ मैं से खड़ा हूँ तो आप चारों तरफ से देख सकते हो, बहुत जगह ये शानदार लगती है। तो अगर आप मेरे सामने देखोगे तो ये आर पार है जगह, जहाँ छोटे छोटे रूम हैं। तो अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर जाकर इनकी कब्र देखते हैं, फिर इनके बारे में बताएंगे ये एक्चुअल में थे कौन सफदरजंग। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यही है सफदरजंग की मकबरा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये जो मकबरे होते हैं ये तो आर्टिफिशियल होते हैं, असली जो कब्र होती है वो नीचे ही होती है। तो यानी इसी के नीचे जो है इनकी वाइफ की और इनकी भी कब्र है। बट अगर हम ऊपर देखें तो ये जगह बनी हुई है, बहुत शानदार हवा आ रही है। अगर मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊं तो इधर भी आस पास पूरी गेट कवर हो रहा है, साथ में अगर इस साइड देखोगे तो ये भी पूरा आर पार हो रहा है। अगर मैं ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कैमरे से, चारों तरफ
मुगल जो कालीन है, मुगल की जो वस्तुएं हैं उसका यूज़ हुआ हुआ है। इसके पत्थर से देख सकते हो आप, जो संगमरमर का वाइट पत्थर है, ये याद दिलाता है कि ये मुगल दौर का बना हुआ है और मुगलों ने कितना प्यार करा था इन्हें। अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जो छेद हो रहे हैं, यानी दो मंजिली है, ऊपर जाने की व्यवस्था है, बट इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं, तो जब आप एंट्री करोगे तो ये एक गेट है जो एक्चुअल में अब बंद हो चुका है। जो मैंने कहा था कि जो दुमजली ऊपर जाने का रास्ता, यही वो गेट है, बट इसको आम इंसान के लिए बंद कर दिया गया है। ये कुछ साल पहले खुला करता था, तो ये बहुत शानदार जगह है। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सफदरजंग कौन थे। अगर आप सोच रहे होंगे वो बादशाह थे, तो आप गलत हैं। वो बादशाह नहीं थे, एक्चुअल में अंतिम मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री थे वो। सफदरजंग का जन्म 1708 में ईरान के निशापुर में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई थी। उनका पूरा नाम अब्दुल मंसूर मुकीम अली खान मिर्जा उर्फ मोहम्मद सफदरजंग था। वह एक कुशल प्रशासक थे। वह अपने जीवन काल में कश्मीर, आगरा, अवध के सूबेदार थे, और उसी के बाद वह मुगलिया सुल्तान के अधीन पूरे देश के प्रधानमंत्री बने। और आपको पता होगा ये जो मकबरा बना हुआ है, ये उनके लड़के जिनका नाम था शुजाउद्दौला खान ने बनवाया था उनकी याद में 1754 को। ये उनका परिचय है। दोस्तों बहुत ही शानदार हवा चल रही है। अगर आप मेरे पास देखोगे तो ये आम के पेड़ हैं, और छोटे छोटे आम आ रहे हैं, यानी आम ही आ रहे हैं जो हम बचपन में देखा करते थे। वो बहुत ही शानदार हवा चल रही है। अब हम आप लोगों को नीचे जाकर महल दिखाते हैं, आइए मेरे साथ। दोस्तों सफदरजंग में बहुत सारे मंडप हैं जिन्हें विचित्र नाम से जाना जाता है, जिनमें से एक है मोती महल। अगर आप देखेंगे तो ये मोती महल है, जो कि सफदरजंग का जब मकबरा बनाया गया था तो उसी दौर में बनाया गया था, कि उन्हीं की याद में बनाया गया था, तो इसे मोती महल बोला जाता है। और उसी के सामने देखोगे तो ये चार शैली बाग है, जो कि हुमायूं के मकबरे में भी दिखाया था, वही इस तरह का बाग है जिसका जो है जन्नत का जिक्र किया गया है, जहाँ कुरान की आयतों में भी इसका जिक्र है। तो एक्चुअली में जिस तरीके से मोती महल है, इसके सामने भी एक महल है जिसे जंगली महल बोला जाता है। अब हम आपको वो दिखाएंगे, तो आइए मेरे साथ। दोस्तों अगर आप ये पीछे देखेंगे तो ये एक्चुअल में जंगल महल है, जो कि दूसरा महल माना जाता है। तो और इसके सामने भी जस्ट जो है चार शैली बाग है, जिसका हुमायूं के मकबरे में भी जिक्र है, और सेम कॉपी पेस्ट बनाया गया है। तो अगर देखेंगे तो मैंने आपको इधर मोती महल दिखाया था, इधर मैंने आपको जंगल महल दिखाया है, अब हम आपको बादशाह का महल दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ। और दोस्तों अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, यही एक्चुअल में बादशाह पसंद महल है, यानी किंग फेवरेट महल है। ये खास है, इसलिए मैं आपको इसको बारीकी से दिखाऊंगा और पास से दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ, मैं पास से दिखाता हूँ आपको। अगर दोस्तों बादशाह पसंद को अगर आप पास से देखोगे, तो इसमें खासियत यह है कि इसके आगे एक चबूतरा है, जो कि बहुत बड़ा चबूतरा है, जो कि मोती महल और जंगल महल के आगे नहीं था। इसका मतलब ये जगह खास है। अगर इसको आप पास से देखोगे तो आपको पता होगा जो सफदरजंग है, उनकी जो औलाद है, यानी शुजाउद्दौला, जाहिर है वो यहाँ आते होंगे तो उस पर आराम करते होंगे, या वो मीटिंग करते होंगे, या शाम को घूमते होंगे, ये इसलिए खास बनाई गई है। अगर और पास से देखोगे तो इसके आगे आप एक छोटा सा लॉन देख रहे हो, जहाँ पर घास उग रही है, पौधे लगाए गए हुए हैं, और छोटे छोटे मंडप बनाए हुए हैं, यानी इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इतना तो तय है कि तीनों महल में ये जो है बादशाह का पसंद है, इसलिए इस जगह का नाम है बादशाह पसंद रखा गया है, यानी किंग फेवरेट रखा है। चलिए आगे हम कुछ और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस मकबरे को आप मेरे चारों तरफ से देखोगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और इसकी खूबसूरती जब ज़्यादा बढ़ जाती है, जब इसके चारों तरफ, एक तरफ मोती महल है, एक तरफ जंगल महल है, और एक तरफ जो है बादशाह पसंद महल है। अगर मैं बात करूं तो सबसे फेवरेट जगह है कपल्स की, कपल्स आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फोटोजेनिक जगह है, बहुत लोग यहां आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर आप दिल्ली में हो और आपने यहां नहीं घूमा तो यकीन मानिए इस जगह को मिस करेंगे। जितनी भी हिस्टोरिक प्लेस हैं दिल्ली के अंदर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जगह है ये, आप यहां आ सकते हो।
और इसी के बाद इस ब्लॉग को हम बंद कर रहे हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरबाज ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।